दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखेंगे कैप्स लॉक ब्लिंक कर रहा है 5 टाइम्स, जिसमें से 3 लॉन्ग है और 2 शॉर्ट्स हैं। मैं आपको एक बार और शो करके दिखा दूँ काउंट करके, ये देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3, ये लॉन्ग ब्लिंक हो गया, 1, 2 ये शॉर्ट्स हो गया, और लैपटॉप नो डिस्प्ले है। और जैसे कि आप लैपटॉप को ओपन करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखेगा रैम। आप क्या करना है, इस रैम को क्लीन करके देखना है। अगर रैम क्लीन करने के बाद भी नहीं आया दोस्तों, तो आप इस रैम को बाहर निकाल देंगे, जैसे कि मैंने निकाल दिया है आप देख सकते हैं, और एक आप नया रैम या तो आपके पास कोई टेस्टिंग वाला रैम होगा तो उस रैम को लगा के दीजिए। तो मेरे पास यहाँ पर एक सेकेंड रैम था, तो इस रैम को मैंने लगा दिया है। और अगर डिस्प्ले को मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर हमारा लैपटॉप में डिस्प्ले आ चुका है और कैप्स लॉक ब्लिंकिंग करना भी ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी कि ये रैम की इशू होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।